क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सुमन। किस पंचायत से किस पद के लिए आप उम्मीदवार के रूप में जनता का सेवा? मुखिया पद से। वर्तमान मुखिया? वर्तमान मुखिया है। पूर्व में 5 साल के कार्यकाल जनताओं में किस प्रकार से आपने सेवा किया? अच्छा सेवा किया है। काम की गुणवत्ता क्या रही? मतलब 7 निश्चय में हम लोग 6,52,00,000 रुपया का कार्य करवाए 14 वार्ड में। जहाँ इतना ज़रूरत हुआ हम उतना दिए। काम विकास अच्छा हुआ। आपके पंचायत में लाभुकों यानी इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास सहायक के माध्यम से कितने लाभुकों को आवास की सहायता मिल पाई? 1,249। शौचालय की क्या स्थिति रही? 75% लगभग पूरे पंचायत में काम हुआ। खास करके अगर जल नल योजना की बात की जाए तो आपके पंचायत में जल नल योजना की क्या स्थितियाँ? 90% ठीक है। 80% काम चल रहा है। 20% में कुछ कार्य रुका भी है। वो ठेकेदार का गलती है। लेना चाहिए 2 गो तो ले लिया 25 गो, लेकिन काम चालू होगा। और पंचायतों में भी मुखिया जी निवर्तमान मुखिया जी बराबर चर्चा कर रहे हैं कि हमने तो रोड नाला बना ही दिया, लेकिन जो जल नल योजना के जो कर्मचारी हैं पीएचडी विभाग के, वो सारे रोड नाले को ध्वस्त और तोड़ दिए हैं, जिसका शिकायत और गाली मुझे सुनना पड़ता है। हाँ तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? हाँ, वो पीएचडी विभाग का काम है तो वो अपना काम करे। हम तो कह रहे हैं कि अपना काम आके करो ना, हमको जनता कष्ट दे रहा है, बोल रहा है। तो कहता है कि मुखिया जी कर देंगे। कब करेगा ये तो नीतीश जी भी जाने। शिकायत आपने जिलाधिकारी महोदय से किए हैं? आज तक नहीं, लिखित तो नहीं, इससे मौखिक जाके कभी, लेकिन सुन रहा है। मान लीजिए फिर इलेक्शन आ गया, अभी होगा तब ये ना होगा। चार वार्ड में कर सकते हैं। जल जीवन हरियाली पे आपके पंचायत में कितना काम हुआ है? एक कुआं और एक पोखर। कहाँ कुआं बनाया गया और कहाँ पोखर बनाया गया? सपा में 8 नंबर वार्ड में। 8 नंबर वार्ड में पोखर कहाँ बनाया गया? 13 नंबर वार्ड में मंगा। आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको मत मिलता है तो जनता को क्या कहना चाहिएगा, क्या नई योजना को लाएंगे आप? जो नई योजना सरकार देंगे हम उसको अच्छी रूप से देखेंगे और चलाएंगे, जिससे पब्लिक को कोई कष्ट ना हो। आपके पंचायत में जन शिकायत बराबर आ रही थी कि राशन में डीलरों की मनमानी चलती है, इस पर क्या कहना है? हमसे जो पूर्व मुखिया था उसके समय में 2 किलो अनाज